आपका मेरे YouTube चैनल में और मेरा नाम है सुमित सिंह राठौर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक्वास्टिक गिटार की स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हो। बहुत सारे जो न्यू गिटारिस्ट होते हैं उन्हें पता नहीं रहता कि कैसे अपने गिटार की स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ऐप बताऊंगा जिससे आप अपने एक्वास्टिक गिटार को ट्यून कर सकते हैं। एक्वास्टिक गिटार या कोई और भी गिटार हो, बैस गिटार हो, तो उसको ट्यून कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन ऐप बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने स्ट्रिंग को एक अच्छा साउंड दे सकते हो, ट्यून कर सकते हो। तो उसके लिए देखते हैं आगे। देखिए, उसके लिए आपको पहले डाट ट्यूनर ऐप पर जाना पड़ेगा। जो ये ऐप है इस पर क्लिक करें तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। और जैसे कि आप इस स्ट्रिंग का नाम जानते होंगे, ए, जैसे स्ट्रिंग का आपको नाम अगर मालूम है तो पहला स्ट्रिंग का नाम है ए, तो इसे मैं ट्यून करके आपको बताता हूँ। तो आपको बस कुछ करना नहीं होगा कि इस स्ट्रिंग को मारना है, इस स्ट्रिंग का नाम ई है। अगर आपका आपके स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर ई हरा चल रहा है तो इसका मतलब कि आपका वो स्ट्रिंग ट्यून है। अब आप दूसरे ट्यून स्ट्रिंग पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका ये स्ट्रिंग ट्यून नहीं है तो आप इसको यहाँ से जाकर टाइट और लूज कर सकते हैं, और लूज करके आपको एडजस्ट करके आप अपने स्ट्रिंग को ट्यून कर सकते हैं। इस तरह आपको सारे जितने भी स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग है, सबको ट्यून करके आप इसे एक बार खुद से बजा कर देखें, और आप जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्यून हो गया तो ये अच्छा साउंड करने लगेगा। तो आपको आवाज़ सुनने पर ऐसा लगा होगा कि ये पूरा गिटार का जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल ही ट्यून हो गया। आप इसे DU.Tuner ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। आप इसे प्ले स्टोर पर जाएं, इंस्टॉल करें और अपने सारे स्ट्रिंग को इसी ऐप के माध्यम से आप ट्यून कर सकते हैं। थैंक यू।